देखो चाहे आप स्कूल या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनली कोडिंग करते हो और या फिर आपने ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप बाय करना है, आपको अपना लैपटॉप बाय करने से पहले ना इन चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। लाइक आपका बजट चाहे कुछ भी है 30,000 से लेके और चाहे 80,000 रुपए तक, हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप बाय नहीं करना, SSD बिल्कुल नहीं चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर, प्राइमरी होनी चाहिए SSD, SSD के बिना हमने लैपटॉप बाय नहीं करना। कोडिंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मल्टीपल टैब्स ओपन रहती है, उसके लिए आपके लैपटॉप के अंदर कम से कम 16 GB की रैम पक्का होनी चाहिए, और अगर आप 8 GB रैम के साथ लैपटॉप बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसकी रैम एक्सपेंडेबल हो। और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर इमेजेस इन्वॉल्व रहती हैं, और या फिर आपने डेटा माइनिंग ऐसा कुछ केस है ना आपका, स्टोरेज ज्यादा चाहिए अपने को, 512 SSD कम से कम होनी चाहिए, और मेक श्योर कि उसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल हो अपने लैपटॉप की। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लैपटॉप तो बाय कर लिया, नेक्स्ट 4-5 साल तक चलाना हमने, वारंटी बाय करते ही एक्सटेंड करवा लेना। मोस्टली सारे ब्रांड्स एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करवाते हैं, एंड ओनली कोडिंग लैपटॉप्स की सीरीज के 2 पार्ट आएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ 30,000 से लेके 60,000 तक के बजट के सबसे बढ़िया कोडिंग लैपटॉप्स, एंड सेकंड पार्ट होगा 60,000 से ऊपर वाले लैपटॉप्स का। ओके, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं अंडर 30,000 के बेस्ट कोडिंग लैपटॉप्स की। इस बजट के अंदर आपको मैं 2 लैपटॉप बताऊंगा। सबसे पहला लैपटॉप है एसर का एसर एस्पायर लाइट लैपटॉप, 29,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज मिल जाती है 180 डिग्री की हिंज। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना, आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो उसकी डिस्प्ले फ्लैट भी हो जाती है। दूसरी चीज है मेटल की बॉडी। मेटल बॉडी होने के कारण ना लैपटॉप की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। i3 का 111 5G4 प्रोसेसर दिया गया, 11th जनरेशन 2 कोर 4 थ्रेड्स वाला अच्छा प्रोसेसर है। 8 GB की रैम विच इज एक्सपेंडेबल अपटू 32 GB DDR4 रैम है, 256 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की FHD डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, इंटेल के USD ग्राफिक्स, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको, फुल साइज कीबोर्ड दिया गया अलॉन्ग विद नंपैड, 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं Acer Aspire 3 लैपटॉप की, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है Acer का इस बजट का। इसका देखो करंट प्राइस चल रहा है 35,000 रुपीज, लेकिन प्राइस अराउंड इसका जनरली रहता है 32,000 रुपीज। प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है, लेटेस्ट 12th जनरेशन का प्रोसेसर दिया गया, i3 प्रोसेसर है 1215U 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। जो बाकी इस बजट के अंदर हमें प्रोसेसर मार्केट के अंदर मिल जाते हैं ना, लाइक i3 का N305 हो गया, Ryzen का 3250U प्रोसेसर हो गया, Intel का i3 10th जनरेशन 11th जनरेशन ये सारे प्रोसेसर हो गए, उन सब के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। कंपैरिजन आप देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस सबसे बड़ी है। उसके बाद इसके अंदर भी हमें 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली विच इज एक्सपेंडेबल अपटू 32 GB, साथ में 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की FHD IPS डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS Office 365 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा लैपटॉप में, फुल साइज कीबोर्ड है अलॉन्ग विद नमपैड, 3 USB Type-A, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। 2 लैपटॉप मैंने आपको बताया 30,000 के बजट के अंदर, एक है विदाउट MS Office जिसका प्राइस थोड़ा कम है, एंड दूसरे के साथ MS Office इंक्लूडेड मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, वही फिर उसका प्राइस 3-4 हजार रुपए बढ़ जाता है। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लेना, अब ये चीज आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। अब बात करते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज की। देखो 40,000 के बजट के अंदर आने वाले लैपटॉप के अंदर ना आपको MS Office इजीली मिल जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 40,000 रुपए लैपटॉप के ऊपर लगा रहे हो ना, MS Office मेक श्योर कि आपके लैपटॉप के अंदर होना चाहिए। सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का Lenovo IdeaPad 1 लैपटॉप, 37,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके अंदर हमें ना एक बहुत ही बढ़िया चीज मिल जाती है कि इसकी जो वारंटी है ना वो पहले से डबल दे रखी है कंपनी ने। इस बजट के अंदर आने वाले सभी लैपटॉप ना आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पूरे 2 साल की वारंटी मिल रही है जो कि सीधा डबल होगी। आफ्टर दैट प्राइवेसी शटर कैमरा एंड बैकलिट कीबोर्ड, ये दोनों चीजें भी हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। ये Ryzen प्रोसेसर वाला लैपटॉप है, Ryzen 5 5500U प्रोसेसर दिया गया, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। इसके अंदर भी आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, जिसमें से 4 GB रैम ऑनबोर्ड है 3200 MHz वाली, एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 12 GB तक, 512 GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की FHD एंटीक्लियर डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, AMD की Radeon ग्राफिक्स हो गए, MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप गया, 42 वाट आवर्स की बैटरी, 65 वाट का अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में, 2 USB+1 USB Type-C, 1 HDMI एंड साथ में 1 हेडफोन प्लस माइक कॉम्बो। ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसीडर करना है, इस बजट का सबसे ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप है, गो फॉर इट। Asus YearBook 15 लैपटॉप, देखो ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसके ऊपर ना आपके सारे हेवी काम भी हो सकते हैं, चाहे आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है, कोडिंग तो इसके ऊपर इजिली हो जाती है, ऑफिस का काम करना है, मीडिया कंजम्पशन करनी है, या फिर आपने ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है, परफेक्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। 40,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है। सबसे पहले देखो इसके अंदर जो मैं प्रोसेसर दिया
है ना वो है इंटेल का i3 1220p प्रोसेसर 12 जनरेशन का 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। इसके स्कोर्स आपके सामने 3D मार्क हो गया, PC मार्क, Geekbench एंड Cinebench, इन सभी स्कोर्स को आप चेक कर लो। एक चीज है कि ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा P सीरीज के प्रोसेसर के साथ। आप में से जिसे भी नहीं पता तो गाइस जो P सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना वो U सीरीज के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं ना, चाहे वो Ryzen 5 का 5500U प्रोसेसर है, 1215U प्रोसेसर है या फिर i3 का 11 जनरेशन 1115G4 प्रोसेसर, सबके कंपैरिजन में इसके जो स्कोर्स है ना वो सबसे बेस्ट है। 8GB की रैम है, DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की FHD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC, इंटेल के USD ग्राफिक्स है लैपटॉप में, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 42 वाट आवर्स की बैटरी आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिल जाती है, 45 वाट का अडैप्टर, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप कहीं नहीं गया इस लैपटॉप के अंदर, इजिली मिल जाएगा, 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट मिल जाती है लैपटॉप में टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड। इसके एडिशनल फीचर्स को चेक करें तो देखो सबसे पहले चीज है कि लैपटॉप के अंदर हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज सर्टिफाइड बाय इट्स कंपनी। कंपनी ने ऑलरेडी अपने लैपटॉप को बढ़िया बनाने के लिए उसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है, विच सिंपली मींस कि ये तगड़ा लैपटॉप है। उसके बाद आ जाती है 180 डिग्री की हिंज। इसका मतलब भी यही है कि लैपटॉप की डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, फ्लैट भी कर सकते हो उसकी डिस्प्ले को, तो ये भी चीज बढ़िया है। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड प्राइवेसी शटर कैमरा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर हैवी काम करने होता है ना तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि पी या फिर एच सीरीज वाला लैपटॉप बाय करो, क्योंकि वो बने होते हैं हैवी काम करने के लिए। दिस इज Acer Aspire 3 लैपटॉप, थिन एंड लाइट सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। 45,000 rupees लैपटॉप का करंट प्राइस है। ये लैपटॉप उनके लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, लेकिन टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। एक बार इसके स्पेक्स देखो आप। प्लास्टिक की बॉडी के साथ ही i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है लैपटॉप में, 1235U, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला, Cinebench, Geekbench एंड Passmark स्कोर्स आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आप इसके स्कोर्स चेक कर लो, काफी बढ़िया स्कोर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। 16GB की रैम है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, एक्सपेंडेबल इसकी रैम 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो 16GB की रैम के साथ आपको लैपटॉप मिल रहा है जो कि सीधा सीधा डबल रैम होगी एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट। ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज होती है कि जो लैपटॉप आपको 16GB की रैम के साथ आ रहा है ना उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं होती, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, तो ये टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। 15.6 इंच की FHD TN डिस्प्ले मिल जाती है Acer ComfyView, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इंटेल के RS ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है, 41 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वाट का अडैप्टर दिया गया, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, 3 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट, 1 Ethernet HDMI 2.1, 3.5mm जैक। ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसिडर करना है, गो फॉर इट। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, रैम डबल है, स्टोरेज 512GB की है, स्टील द डील। चेक करते हैं 50,000 में आने वाले सबसे बेस्ट कूलिंग लैपटॉप्स। सबसे पहला लैपटॉप है Honor का Honor MagicBook X14 लैपटॉप। ये लैपटॉप ना बेस्ट है कैरी करने के लिए, गेमिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, लाइट आपने 4K एडिटिंग करनी है कम लेयर्स के अंदर, टोटली परफेक्ट लैपटॉप। 52,000 rupees लैपटॉप का करंट प्राइस है। कभी कभी 50,000 के अंदर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर ये लैपटॉप आप 52,000 के दाम पे भी बाय कर रहे हो ना, टोटली वर्थ इट है। मेटल की बॉडी, बैकलाइट, कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 12450H। देखो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि P सीरीज के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस U सीरीज के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होती है ना, वैसे जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस P सीरीज से भी बेटर होती है। ये तीनों सीरीज के अंदर ना अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें सबसे बढ़िया होते हैं H सीरीज के प्रोसेसर, एंड बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो सबसे अच्छा बैटरी बैकअप होता है U सीरीज के प्रोसेसर के अंदर। U सीरीज के प्रोसेसर बने होते हैं बेसिक काम करने के लिए, H वाले बने होते हैं हैवी काम करने के लिए, सिंपल चीज है। इस पीरियड के अंदर आपको जो बाकी प्रोसेसर मार्केट के अंदर मिल जाते हैं 5600H हो गया, 5625U, 1235U, सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने है। जो 12450H की परफॉर्मेंस है इट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू बाकी सभी ऑप्शंस। 16GB की रैम लेटेस्ट रैम है 4266 MHz वाली, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 14 इंच की FHD IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 100% sRGB, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, टोटली वैल्यू फॉर मनी डिस्प्ले इसकी। 100% sRGB के साथ आप कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन वाले काम करोगे एकदम ही बढ़िया होते हैं। इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS Office 365 हमें 1 साल के लिए मिल जाएगा, 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा लैपटॉप में, टाइप सी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, फ्रॉम 0 to 45% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, टोटली परफेक्ट लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। अगला लैपटॉप आ गया ASUS का ASUS YeoBook 15 लैपटॉप, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, ओकेजनल गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। 52,000 rupees इसका भी करंट प्राइस है। इसके अंदर भी आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी एंड 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। अब इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर दिया गया ना वो 12450H से भी बेटर है। 12500H प्रोसेसर है लैपटॉप में, 12 जनरेशन का, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी
प्रोसेसर देखे ना, उन सब के कंपैरिजन में ये जो प्रोसेसर है ये दी बेस्ट है। ये सेम प्रोसेसर ना आपको 70 से 80 हजार वाले लैपटॉप के अंदर भी मिल जाएगा। उनका प्राइस ज्यादा इसलिए होता है कि उसके अंदर हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया होता है, बहुत ही अच्छा। 16 GB की रैम है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64 GB तक। 512 GB की जेन 3 SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की FHD एंटीक्लियर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, 220 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स के साथ ही MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 42 Wh की बैटरी के साथ ही 65 W का अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में। 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया। 2 USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट, 1 USB 2.0 Type A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type C, HDMI 1.4 एंड साथ में 3.5mm जैक। ये सारी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड मैकाफे 1 साल के लिए मिल जाएगा एंटीवायरस सब्सक्रिप्शन के साथ। ये भी लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। देखो, जिन भी स्टूडेंट्स ने ना मशीन लर्निंग पे काम करना है और या फिर आप AI पे काम करना चाहते हो, उसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ये सारी चीजों पे काम करना है ना, तो फिर आपने प्रोफेशनल थिन एंड लाइट सीरीज वाला लैपटॉप बाय नहीं करना, ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप बाय करना है। एंड इस बजट के अंदर ना आपको सिर्फ एक ही ऐसा ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप मिलता है, लिनोवो का लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप। 50,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है। बैकलिट कीबोर्ड, ई कैमरा शटर दिया गया, प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। अब इसके ऊपर आपकी गेमिंग हो सकती है बहुत ही अच्छे लेवल की, एंड साथ में एडिटिंग हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हार्डकोर गेमिंग इसके ऊपर पॉसिबल है और या फिर आप बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एडिट कर लोगे इसके ऊपर, बट 50,000 के बजट के अंदर और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड दिया गया हो। i5 का 11300H प्रोसेसर है 11 जनरेशन का। सारे स्कोर्स आपके सामने, R23 Geekbench एंड 3D Mark वगैरह, सारे स्कोर्स को चेक कर लो वीडियो पॉज करके। आफ्टर दैट 8 GB की रैम विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches के FHD IPS एंटीक्लियर डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, 215 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। NVIDIA GeForce GTX 1650 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा 4 GB का, CUDA कोर 1024 है इसके। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके इसके गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो, काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। MS Office हमें ट्रायल वर्जन पे दिया गया। 4.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। 2 USB Type A, 1 USB Type C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। बढ़िया लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। अब बात करते हैं 60,000 के बजट के लैपटॉप्स की। देखो, 60,000 के बजट के अंदर ना अपने पास ऑप्शंस काफी ज्यादा खुल जाती हैं। ईवो सर्टिफिकेशन वाले लैपटॉप हमें मिल जाते हैं, बढ़िया ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप मिल जाते हैं विद लेटेस्ट प्रोसेसर। सबसे पहला लैपटॉप है ASUS का VIVOBOOK 15 लैपटॉप। 62,000 rupees लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके अंदर भी हमें काफी बढ़िया एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड, 180 डिग्री के हिंज एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसके अंदर हमें प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 13 जनरेशन का 13500H, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। देखो, वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 12500H ना बहुत ही टॉप लेवल का प्रोसेसर है, वो चीज बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो प्रोसेसर है ना, ये उससे भी एक पॉइंट ऊपर है, क्योंकि वो प्रोसेसर है 12 जनरेशन का एंड इसके अंदर हमें दिया गया लेटेस्ट 13 जनरेशन का 13500H प्रोसेसर, जो कि 12500H का सक्सेसर प्रोसेसर है। ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिलेगी उसके कंपैरिजन में। 16 GB की रैम है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB, 512 GB की जेन 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। जेन 4 SSD का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि ये लेटेस्ट SSD है। इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना, वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू जेन 3 SSD। एंड अभी तक की वीडियो के अंदर ना हमने जितने भी लैपटॉप चेक किए हैं, उन सबके अंदर हमें जेन 3 SSD मिल रही थी। इसकी स्टोरेज लेटेस्ट है, ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिलेगी। 15.6 inches की FHD एंटीक्लियर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 215 nits की ब्राइटनेस, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 42 Wh की बैटरी, 3 सेल बैटरी इसकी, साथ में 65 W का AC अडैप्टर, 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 3 USB Type A, 1 USB Type C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप आ गया लिनोवो का, लिनोवो योगा स्लिम 6 लैपटॉप। सबसे पहली चीज है कि ये ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल लैपटॉप आपको मिलते हैं ना, एक तो उसके कंपैरिजन में इसकी प्राइस ज्यादा होगी, एंड दूसरी चीज कुछ एडिशनल फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं हमें इस लैपटॉप के अंदर जो कि आपको बाकी लैपटॉप्स के अंदर नहीं मिलते। लाइक 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको हर एक ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप के अंदर मिलेगा। टाइप सी फास्ट चार्जिंग, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, वाईफाई 6E, फिंगरप्रिंट सेंसर, बूटिंग टाइम सिर्फ 1 सेकंड के अंदर लैपटॉप ऑन हो जाता है। FHD कैमरा, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। ये सारे फीचर्स ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लैपटॉप के अंदर मिल रही है। जो भी लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर ना ईवो सर्टिफिकेशन के साथ मिल रहा है, उन सबके अंदर ये सारे फीचर्स मिलेंगे। 65,000 rupees लैपटॉप का करंट प्राइस है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, मेटल की बॉडी, i5 का 1240p प्रोसेसर है, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला, 16 GB की रैम, LPDDR5 रैम है लेटेस्ट 4800 MHz वाली। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512 GB की जेन 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की 2.2K IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, 300 nits की ब्राइटनेस, 100%
RGB एंड Dolby Vision। वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना उन सबसे बढ़िया डिस्प्ले इसकी है, हैंड्स डाउन टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। MS Office हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया इंटेल के RS ग्राफिक्स हो गए, 900 तक का बैटरी बैकअप, 65 वॉट आवर्स की बैटरी, सिर्फ 1300 ग्राम इसका वेट है, इट इज वेरी इजी टू कैरी, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ हमें गेमिंग पास भी इसके अंदर दिया गया, टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, गो फॉर इट। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। देखो गेमिंग लैपटॉप आपको बता दूं 60,000 के बजट के अंदर हमें काफी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा, Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 65,000 रुपीस। इजीली लैपटॉप आपको 60,000 के बजट के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि सेल के दौरान अभी कुछ ही देर पहले 56-55,000 रुपीस का ये लैपटॉप बिक रहा था। हार्ड प्लास्टिक की बॉडी है, राइजन 5 प्रोसेसर है, 6600H, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, सारे स्कोर्स आपके सामने, सिनेबेंच 23, गीकबेंच 6 हो गया, 3D मार्क वगैरह, 8GB की रैम है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल है 16GB तक, 512GB की जेन 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इसकी टोटली गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर, FHD IPS एंटी ग्लेयर, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, 4GB का, TGP 85W है, सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है, हाई सेटिंग्स के ऊपर गेम्स चल रही है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हम इसके अंदर मिल जाती है, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एंड ये चीज ना बहुत ही रेयर होती है कि लैपटॉप के अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है एंड उसी के साथ ही MS Office भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है, तो इसका भी आपने जरूर ध्यान रखना। ओके, 170W का अडैप्टर एंड 60W की बैटरी, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 2 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी, HDMI 2.0, डुअल 3.5 mm एंड साथ में ईथरनेट, 4 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ गेमिंग पास, टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है, हैंड्स डाउन 60,000 के बजट के अंदर सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। सो या दीज आर दी बेस्ट कोडिंग लैपटॉप इन 2023। सिंपल चीज है, चाहे आपने प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना है, गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, किसी भी पर्पस के लिए एंड कोई भी बजट आपका, सारे ऑप्शंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको इनमें से जो भी लैपटॉप अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।